क्लाइंट की इंक्लिनेशन क्या है प्रॉपर्टी खरीदने की, आएं बाएं कर रहा है या रियली उसको प्रॉपर्टी लेनी है, वो फोन पे आपको एनालाइज करनी है। उसके ऑब्जेक्शंस, हर ऑब्जेक्शन का पॉजिटिव आपका वो होना चाहिए। यार बहुत महंगा है तो उसका क्या है, सर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो देखें सर कितनी है, ब्रांड सर आईफोन तो महंगा ही होता है, ब्रांड है, साइमा ब्रांड बन गया है। तो ये आपके ऑब्जेक्शंस की आप हैंडलिंग करें, यार बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट, सर आप माइंड बनाएं, आप आ जाएं, चेक लेके हम बिल्डर के सामने आपको बिठा देते। तो ये आप पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो फॉलो अप कॉल में, क्योंकि वो अगर दूसरे विजिट पे आ जाता है तो चांसेस ऑफ क्लोजिंग द सेल कितनी है, 80% है। पहली बार आ गया डिटेल्स लेके चला गया, दूसरी बार आया है, पहली विजिट में उसके पास सारी चीजें हैं, दूसरी बार क्या चाय पीने आया, वो बताएगा यही कि मैं चाय पीने आया, लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए कि देयर इज अ डील, नाउ गो फॉर द डील। एंड दैट इज आवर नेक्स्ट वीक कि हाउ टू एक्चुअली फाइंड एंड गेट दैट सिग्नल के अ क्लाइंट इज रेडी टू क्लोज। सही, वो सिग्नल्स आपको पकड़ने, वरना क्लोज नहीं होगी।